बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी आपको बता दें, जेडीपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। दिग्विजय का कहना है कि हम दुष्यंत के डिप्टी सीएम बनने से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि उनको हरियाणा का सीएम हम बनाना चाहते हैं। तो अब हमारा अगला टारगेट दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना ही है। दिग्विजय ने कहा कि हम दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाएंगे और दुष्यंत चौटाला ही अगला सीएम फेस होंगे। हमारी पार्टी का चेहरा दुष्यंत जी हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सब पार्टियों के अपने अपने फैसले होते हैं। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, 19% वोट लिए और आगे भी लड़ेंगे। उम्मीद है कि इसको दुगुना कर उनको मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। तो पार्टी के सीएम फेस दुष्यंत चौटाला ही होंगे। पिछली बार भी उन्हें ही प्रोजेक्ट किया गया था। पिछली बार जो वोट प्रतिशत मिला, उम्मीद है कि उससे दोगुना मिलेगा और इस बार दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने में हम कामयाब होंगे, ये कहना है दिग्विजय चौटाला का। क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, लेकिन अब दिग्विजय का कहना है कि हम दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाएंगे। प्रदीप साहू हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना ही टारगेट है, वो ही सीएम फेस होंगे और उम्मीद है दिग्विजय चौटाला को कि इस बार जेडीपी कामयाब होगी उन्हें सीएम बनाने में। देखिए ज्योति, दिग्विजय चौटाला चरखी दादरी में इनसो के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए ये कहा कि उनका मकसद 2024 में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने का है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पिछली बार 19% उनको वोट मिली थी, लेकिन इस बार 300 कार्यकर्ताओं की बदौलत और कार्यकर्ताओं की बदौलत वोट बैंक में ज्यादा मिले और डिप्टी सीएम के बजाय दुष्यंत चौटाला सीएम बने। और साथ के साथ उन्होंने 300 कार्यकर्ताओं के साथ साथ ये भी कहा कि पिछली जो कमी थी वो 2024 में पूरी होगी। अच्छा प्रदीप, इससे एक बात तो साफ होती है कि फिर गठबंधन मिलकर तो कम से कम चुनाव नहीं लड़ेगा, जब जेजेपी अपने सीएम फेस के तौर पर दुष्यंत चौटाला को आगे करेगी, प्रोजेक्ट करेगी। देखिए ज्योति, इस मामले को लेकर हमने दिग्विजय चौटाला से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम अपना धर्म निभा रहे हैं, धर्म के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 4 पीढ़ियों से हमारी जो पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हैं और आगे भी प्रयास ये रहेगा कि वो गठबंधन में रहे। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो दिग्विजय चौटाला का कहना है कि हमारा टारगेट है दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना और पिछली जो कोर्ट कसर थी वो 2024 में पूरी कर ली जाएगी। तो चरखी दादरी पहुंचे थे दिग्विजय चौटाला और पार्टी कार्यक्रम के दौरान उनकी ओर से ये बात कही गई है, बयान दिया गया।